नमस्कार, वेलकम टू श्रवीज किचन। दोस्तों, आज हम आपके सामने बहुत ही हेल्दी रायते की रेसिपी लेकर आए हैं। इसको मैं खीरा और आलू से बनाऊंगी। ये बहुत ही चटपटा और बहुत ही टेस्टी है। मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए हम आपको इसके ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। बनाने के लिए हमने लिया है 2 कप गाढ़ा दही, 1 खीरा, 1 उबला हुआ आलू, कुछ अनार के दाने हैं, चाट मसाला, इधर भुना और दरदरा पिसा हुआ जीरा, ये सादा नमक, इधर काला नमक और ये लाल मिर्च पाउडर है। इसके अलावा थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती ली है। ये इस हेल्दी रायते को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस आलू और खीरे को छीलकर इसके बारीक पीसेस कर लेंगे। हमने खीरा और आलू के छोटे छोटे पीस करके रख लिए हैं। दोनों के पीस बिल्कुल एक जैसे कटे हुए हैं। तो अब हम एक बड़ा बोल लेंगे। और उसमें ये दही डाल देंगे। इसको हल्का सा हम फेंट लेंगे। इसको हमें मिक्सर जार में बिल्कुल भी नहीं फेंटना है। उसमें फेंटने से दही बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है और फिर रायता अच्छा नहीं बनता है, इसलिए हमको स्पून की हेल्प से इसको फेंट लेना है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक मिला देंगे पहले। मिक्स कर दूंगे। इसके बाद हम इसमें ये आलू डालेंगे। और ये कटे हुए खीरे डाल देंगे। अब ऊपर से हम इसमें थोड़ा काला नमक डालेंगे। थोड़ा ये भुना हुआ जीरा। और मिक्स कर देंगे इसको। थोड़ा सा इसमें हम चाट मसाला ऐड करेंगे। अब हम इसमें हरी धनिया की पत्ती डालेंगे। और ये अनार के दाने डाल देंगे। हल्का सा चलाएंगे इसको। इस बीच हम थोड़ा नमक भी टेस्ट कर लेंगे, अगर कम लगता है तो हम डाल देंगे इसमें। अब ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा काला नमक और डालेंगे। और ये भुना हुआ जीरा। थोड़ा चाट मसाला भी डाल देंगे ऊपर से।
और ज़रा सा एक चुटकी इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। ज़रा सा अनार के दाने और डाल देते हैं ताकि ये देखने में भी खूबसूरत लगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारा ये आलू और खीरे का चटपटा हल्दी रायता बनके तैयार हो चुका है। इसको बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का वक्त लगता है और ये फटाफट बनके तैयार हो जाता है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।